हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए और क्या किया जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हिंदी को बढ़ाने के लिए हिंदी वालों को थोड़ा काम करना चाहिए। हिंदी वाले विधवा विलाप बहुत करते हैं, लेकिन जो कर्मठ काम है, थेसरस बनाना, प्रामाणिक शब्दकोश बनाना, अखबारों के लिए क्षेत्रीय हिंदी की वर्तनियाँ गढ़ना, 12-14 प्रकार की हिंदियाँ हैं, और जाहिर है कि अखबार में हर जगह की स्थानीय हिंदी अलग तरह की होगी, उनके लिए स्थानानुरूप कालानुरूप वर्तनियाँ बनाना और उसका स्वरूप तय करना, हिंदी में धंधाई संपादक लाना। आज क्या है, जितने भी सेठ हैं वो सब रातों रात हैट पहन करके एडिटर बन गए हैं। कितने हिंदी के एडिटर हैं जिनके आप नाम याद रखते हैं, सब जगह बेचेहरा भीड़ है। तो चीज़ें जो हैं वो संवरती हैं जबकि उसके नट्स और बोल्ट्स, उसकी कीलें चूलें सब सही हों, संस्थान स्वस्थ हों, तनख्वाहें अच्छी मिल रही हों, नियमित रूप से मिल रही हों। मजीठिया बोर्ड का ऐलान हुआ तो सब मुँह चिपा रहे हैं, सबको कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जा रहा है। इस तरह से देखने से लगता है कि हिंदी वाले ऊपर ऊपर हाय हमारी हिंदी, हाय हमारी हिंदी का स्यापा करते हैं, लेकिन जिन कदमों से हिंदी सचमुच पुष्ट होगी, संवर्धित होगी, उन कदमों के सामने आते ही फिर वो इधर उधर करने लगते हैं और अंततो गत्वा किसी बड़े थैलीशाह या राजनेता के चरण पकड़ते हैं और उनसे कहते हैं हमारा उद्धार करो। एक चीज़, कल मोदी जी ने एक चीज़ कही थी कि दूसरी भाषाओं के अच्छे शब्द हिंदी में लिए जाना। निश्चित रूप से तो इससे फ़ायदा मिलेगा हिंदी को? हिंदी को ज़रूर, हमेशा ही लिए हैं हिंदी ने। हिंदी हमेशा, जैसे अमरीका है, वो एक सबको समेटने वाला कटोरा रही है, उसमें बोलियाँ भी हैं, उसमें भाषाएँ भी हैं। जो इस वक्त हम सब बोल रहे हैं उसमें करीब कुछ नहीं तो 40% शब्द बाहर से आए हुए हैं। तो इसलिए हम ये शुद्धतावादी आग्रहों, ये जो एक बचकाने आग्रह हैं, इनसे हमको मुक्त होना।